सब्ट्रैक्टर नंबर ऑफ इनपुट विल बी इनपुट इनपुट्स इनपुट्स होंगे ए बी सी टू आउटपुट फर्स्ट आउटपुट इज डिफ्रेंस सेकेंड आउटपुट इज बोरो फर्स्ट कॉम्बिनेशन जीरो 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 अगर हम इनका डिफरेंस लेंगे तो जीरो बोरो विल बी ज़ीरो नेक्स्ट इज ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो माइनस ज़ीरो इज जीरो जीरो माइनस वन इज वन हमने लेस से ग्रेटर को माइनस किया दैट्स वाई बोरो विल बी हाई नेक्स्ट ज़ीरो वन जीरो ज़ीरो माइनस वन किया वन लेस से ग्रेटर को माइनस किया दैट्स वाई बोरो विल भी वन जीरो माइनस वन किया था तो डिफरेंस वॉज वन वन माइनस जीरो डिफरेंस इज वन नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जीरो वन वन जीरो माइनस वन 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 माइनस वन जीरो जीरो से वन को माइनस किया दैट्स वाई बोरो विल बी हाई वन जीरो जीरो वन माइनस जीरो इज वन वन माइनस जीरो इज वन बोरो इज जीरो बिकॉज यहाँ हमने ग्रेटर से लेसर नंबर को माइनस किया नेक्स्ट इज वन जीरो वन वन जीरो वन माइनस जीरो इज वन वन माइनस वन इज जीरो बोरो इज नॉट रिक्वायर्ड तो यहां पर क्या होगा जीरो नेक्स्ट इज वन लेस से ग्रेटर वन जीरो से वन डिफरेंस विल बी ठीक दिस इज द डिफरेंस एंड बोरो अब हमें क्या चाहिए एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंस फॉर डिफरेंस वॉट विल बी द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू समीशन एम वन जीरोन फोर देन सेवन ठीक नॉर बोरो बी आउट हम लिख लेते हैं बोरो इज़ इक्वल टू बोरो कहाँ पर आई है एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर डिफरेंस बोरो एक इजी तरीका डिफरेंस निकालने का इफ नंबर ऑफ वन इज इवेंट टाइम यू कैन सी आउटपुट ऑफ डिफरेंस इज हाई अगर हमारे नंबर ऑफ वन वे कि आप कैसे इसको लर्न करो अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो दैट इज गुड बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको याद करने का तरीका है कि यू कैन सी कि जहां पर आपके नंबर ऑफ इनपुट्स और टाइम है वहां पर डिफरेंस की वैल्यू वन है वन वन यहां पे इवेंट टाइम था जीरो टाइम है हाई थ्री टाइम्स है टाइम हाई ठीक सेम के केस में क्या है अगर आप ना फर्स्ट डिजिट जीरो है फर्स्ट डिजिट जीरो है एक्सेप्ट फर्स्ट केस आपकी कैरी बोरो की वैल्यू क्या है हाई वन 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 इन लास्ट केस ऑल्सो हाई इम्प्लीमेंटेशन हमें करना किसके थ्रू टू इज टू वन मार्क्स टू इज टू वन मार्क्स का जनरल स्ट्रक्चर में बना देती हूँ टू इज टू वन मार्क्स में क्या होता है टू इज टू वन वन इनपुट आई जीरो सेकेंड इनपुट आई वन वन आउटपुट यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन है डिफरेंस एंड बोरो हमें two to one चाहिए होंगे फर्स्ट फॉर डिफरेंस सेकेंड फॉर बोरो अगेन आई नॉट आई वन दिस इज टू इज टू वन वन सिलेक्शन लाइन होगी ठीक है और टू इनपुट्स होंगे चलो अब हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं ये जो हमारा डिफरेंस बोरो फंक्शन है ए बी सी थ्री वेरिएबल्स के तो हम इंप्लीमेंटेशन टेबल बनाएंगे इंप्लीमेंटेशन टेबल फॉर डिफरेंस फर्स्ट हम बनाएंगे डिफरेंस के लिए ठीक है टू इनपुट्स हैं मींस कि हमारे पास जो इनपुट वेरिएबल्स होंगे वो टू इनपुट वेरिएबल्स लेंगे सपोज मैंने ए एंड बी को लिया और जो हमारी सिलेक्शन लाइन होगी उसको मैंने सी लिया सी मीन्स की आई नॉट आई वन इफ़ सी इज इक्वल टू जीरो होगा आई नॉट विल बी सेलेक्टेड इफ सी इज इक्वल टू वन होगा आई वन इज सेलेक्टेड ठीक नाउ यहाँ पर ए बी है मीन्स की ए बार बी बार ए बार बी ए बी बार ए बी ठीक है ये फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन जीरो 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 ना ए बी जीरो 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 से यहाँ क्या आएगा जीरो 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 वन से वन जीरो वन जीरो से टू जीरो वन वन से थ्री वन जीरो जीरो से फोर वन जीरो वन इन वन जीरो सिक्स ट्रिपल वन इज सेवन फ्रॉम रो डबल वन फ्रॉम कॉलम वन ट्रिपल सेवन वन सेवन नाउ इक्वेश में क्या है वन टू फोर सेवन वन टू फोर सेवन ठीक नाओ वॉट इज द इक्वेशन फॉर आई नॉट आई नॉट इज इक्वल टू कौन सी है कॉरेस्पॉन्डिंग ए बार बी प्लस फोर क्या है ए बी बार दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटर्न एज ए एग्जोर b ठीक नाउ फॉर i1 i1 इज इक्वल टू a बार b बार 1 के करस्पोंडिंग नाउ 7 के करस्पोंडिंग क्या है ab ab दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सनॉर तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a सॉरी a एक्सनॉर b ठीक है a एक्सनॉर b ठीक नाउ इक्वेशन हमें मिल गई इक्वेशन हमें क्या मिली i नॉट इज इक्वल टू हमें मिला a एक्सोर b I1 हमें क्या मिला ए एक्सनोर बी दिस इज द इक्वेशन फॉर डिफरेंस ठीक है तो हम यहाँ पर कनेक्शन शो कर देते हैं के केस में हमें क्या लगाना होगा एक, एक लगाया ठीक है इसकी एक इनपुट क्या होगी ए सेकेंड इनपुट क्या होगी बी ठीक है ठीक अब I1 वन इज एक्सनोर बी है तो हम I1 को क्या लिख सकते हैं I1 वन इज A, b बी is a एक्सोर बी का complement ठीक तो आप सिंपल ये भी कर सकते हो कि दिस आउटपुट को एक नॉट गेट को कनेक्ट करें और यहाँ पे कनेक्ट कर दे और यू कैन कनेक्ट अ एक्सनोर आपकी चॉइस है सिंपल नॉट गेट लगा देंगे तो भी ये कनेक्ट हो जाएगा ठीक नाउ अब हम क्या करते हैं बोरो के लिए नाउ इंप्लीमेंटेशन टेबल फॉर बोरो सेम वैसे ही बना लेते हैं आई नॉट आई वन यहाँ पर है ए बी सक्सेस पे तो दिस विल बी ए बार बी बार ए बार बी ए बी बार ए बी ठीक वैल्यूज़ जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक हमारे पास एक्सप्रेशन क्या थी वन टू थ्री सेवन एक्सप्रेशन इज वन टू थ्री सेवन वन टू थ्री सेवन ठीक है ये एक्सप्रेशन थी तो यहाँ से i नॉट इज इक्वल टू सिर्फ एक हमारा ये एलिमेंट है इसके करस्पॉन्डिंग क्या है a बार b आई के लिए हमारे थ्री एलिमेंट्स है तो I1 वन इज इक्वल टू फर्स्ट लिखेंगे a बार b बार प्लस a बार b प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा ए बी ठीक है ना अगर हम इसको सिंपलीफाई करते हैं इन दोनों से क्या कॉमन आएगा A बार b बार प्लस बी एंड फ्रॉम दीज टू क्या कॉमन आएगा प्लस b यहाँ हो जाएगा a बार प्लस ए ठीक है इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी a बार प्लस बी ठीक तो दीज आर द इक्वेशन दिस इज फॉर i1 और i नॉट की वैल्यू क्या थी a बार बी तो ये हमें एक्सप्रेशन मिल गई केस ऑफ बोरो ठीक है अब हम इसे कनेक्ट कर देते हैं फर्स्ट हमारी क्या है ए बार प्लस बी मीन्स कि हमें चाहिए आई नॉट में है ए बार बी तो हम यहाँ पे लगाएंगे एंड गेट दिस इज एंड गेट एंड गेट ए ए बार बी बी ठीक है एंड आई वन के लिए है और गेट लगाएंगे आउटपुट यहाँ से कनेक्ट हुई फर्स्ट इनपुट इज ए बार दिस ए बार को हमने कनेक्ट किया सेकेंड इनपुट इज बी ये भी उठाया और ये कनेक्ट किया तो दिस इज द हाफ फुल सॉरी दिस